Hello friends, welcome to Hanugo World. Today we are going on a trek to the Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary. So please join us right from where it starts. We have started our trek from Kumbhalgarh towards Ranakpur. तो हमारे साथ है शिवजी जो हमारा गाइड है आज के लिए। हाँ जी, मैं शिव सिंह, नाम बताइए। इको गाइड मैं हूँ, पैदल ट्रैकिंग कुंभलगढ़ से रणकपुर। और आप कितने दिन से कर रहे हो ऐसे ट्रैकिंग? मैं सर 40 ईयर्स, 40 साल से, 40 साल से मेरा उम्र हो गया सर 60। 60 आप अभी भी कर रहे हो? अभी भी कर रहा हूँ सर। कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली एन ओकेशनल ट्विटर ऑफ बर्ड। बस हम शहरी दुनिया से बहुत दूर आ चुके हैं। सो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत ही है, 1 किलोमीटर भी हमने क्रॉस नहीं किया। ये 13 किलोमीटर का ट्रैक है, जो मुझे लगा था 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर नहीं है। शिव जी बता रहे थे, जो हमारे गाइड है आज के लिए, वो पिछले 40 साल से ये ट्रैक करवा रहे हैं। हाँ, पग मार्क्स है, ये देखिए, लियोपार्ड के पग मार्क्स, लियोपार्ड के पग मार्क्स है ये। तो हम जो इस रास्ते से अभी गुजर रहे हैं, सुबह सुबह कोई एक लियोपार्ड जी इसी रास्ते से निकले थे, ये इनके पग मार्क्स है, पद चिन्ह है, इसी रास्ते से निकले थे सीधा। मॉर्निंग में क्या है, जल्दी 7 o'clock जल्दी अगर रवाना होते हैं तो एनिमल्स देखने का चांस रहता है। हाँ, वो सुबह ही निकलता है ना। क्या करो, दिन को रेस्ट करते हैं, सुबह ही निकलता है। हाँ, वही बता रहा था ना कि सुबह और शाम, शाम को 5 बजे के बाद। हाँ, वो थोड़ा सा डेंजर हो जाता है, सुबह हाँ। उतना डेंजर नहीं रहता। कोई भी एनिमल्स हो सर, रस्ते में अगर बैठा हुआ है, लेपर्ड भी यहाँ है, रस्ते में बैठा, उसको छेड़ो मत सर, वो अपने आप साइड दे। हाँ, वो निकल जाता। पत्थर हल्ला करेंगे, उसके पत्थर मारेंगे, छेड़ेंगे उसको, वो अटैक करने की कोशिश करेगा। इतना दूरी पे वो लेपर्ड था मेरे। अच्छा, एक फॉरनर था, बिल्कुल यूं ये बम्बू के पेड़ थे, झाड़ पगडंडी रास्ता ही था अपना, थोड़ा पगडंडी आएगा आगे भी, वहाँ बिल्कुल यूं पास में बैठा हुआ था। वैसे हम गए, वैसे एकदम हमारे सामने हो गई, निकल गया। वैसे कोई भी एनिमल अटैक नहीं करते हैं, वो तो डर गया या भूखा है तो ही अटैक करता है। तो वो मतलब अटैक करते हैं, डर के ही अटैक करता है। डर के अटैक करते। वैसे भी तो लेपर्ड जनरली आदमी पे अटैक नहीं करता है। लेपर्ड तो इतना वो शर्मिला होता है ना, अपनी नजर पड़ते ही वापस घुस जाएगा झाड़ियों में, चिपक जाएगा। टाइगर होता है आलसी, टाइगर क्या 5-6 किलोमीटर के एरिया में घूमता रहेगा। हाँ, अपना खुद का एक एरिया रहता है, उसके अंदर ही घूमता है, घूमता रहेगा। लेपर्ड क्या, उसका शिकार नहीं मिले तो 100 किलोमीटर भी जाके वापस आ जाएगा वो। हाँ। टाइगर एनिमल्स ऐसा है कि उसको तैयार अगर शिकार मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये भी पानी का बनाया हुआ है, ये तो आर्टिफिशियल है। हाँ, ये बनाया हुआ फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में जगह जगह ऐसे एनीकट बना रखे हैं एनिमल्स को पानी पीने के लिए। अच्छा, अच्छा, ये गोंद की लड्डू जो बहुत फेमस है राजस्थान के, ये गोंद का पेड़ है, ये वाला गोंद की पेड़ है। हाँ, ये तो बहुत फेमस है राजस्थान के गोंद की लड्डू। पूरा गोंद का ओरिजिनल इसी का ही मिलता है, सिटी में जो मिलता है वो डुप्लीकेट मिलता है, वो सभी झाड़ का मिक्स करके बेच देते हैं। दूर आपको दिख रहा है जो वैली है वो मारवाड़ है। तो हम लोग अभी मेवाड़ में है, और ये कहते हैं कि कुंभलगढ़ मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करता है। अभी हम लोग 15-20 मिनट से चल रहे हैं, कुछ 1.5-2 किलोमीटर क्रॉस किए होंगे। मेरे हिसाब से ये पूरा ट्रैक ख़त्म होते होते हमें 5 बज ही जाएंगे।
यहाँ पे मानसून में झरना, देखिए झरना आता था यहाँ से, अभी तो पूरा सूख गया है। अभी विंटर है, आज 31 दिसंबर 2020 है। हाँ, इस तरफ झरना होता है मानसून के सीज़न में, जुलाई अगस्त के बाद में अगर आप आते हो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे झरना दिखाई देगा। बट अभी जैसे झरना सूखा हुआ है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ आर्टिफिशियल टैंक बना रखा है फॉरेस्ट के अंदर, तो वहीं पे आते हैं। ये अभी शिव जी ने मेरे हाथ पर बनाया, तो वहाँ पे जो सारे पौधे लगे हुए हैं, छोटा सा पौधा उन्होंने लिया और मेरे हाथ पर रखा और बस ऐसे उन्होंने उस पर हाथ लगाया तो बस इतनी खूबसूरत मेहंदी जैसे डिजाइन बन गई। और शिव जी, मेरे हिसाब से तो इसके अंदर अगर आपको ट्रैक करना है तो आपको गाइड के साथ ही करना पड़ता है। गाइड के साथ ही वो तो कंपलसरी होगा यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप आते हो तो शिव जी का नंबर दे रखा है, उन्होंने अपना नंबर बोला भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, तो आप उनको कॉल कीजिएगा। बहुत पुराने गाइड है, 40 साल से ये कुंभलकर सेंचुरी की वो टूर करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैक करवाते हैं, वाइल्ड सफारी वगैरह भी वो करवाते हैं जीप में, तो वो सब अरेंज कर देंगे आपके लिए। और जैसे शिव जी बता रहे थे, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, तो आप बिना गाइड के इसके अंदर आ नहीं सकते। तो अगर आप एडवेंचरस हो तो भी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये इसमें यहाँ पे काफ़ी वाइल्ड लाइफ भी है। अच्छा, तो शिव जी बता रहे थे कि यहाँ पे गर्मी में भी टेम्परेचर कम ही रहता है, तो जैसे आप थोड़े 20-25 किलोमीटर आगे चले गए तो टेम्परेचर 40-45 तक पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, इतनी हरियाली है और पानी भी है, तो यहाँ पे गर्मी में भी लोग आते हैं। ट्रैकिंग जो है वो पूरा साल चलती है। ट्रैकिंग पूरा साल चलेगी। हाँ। और जिप्सी सफारी है, जंगल सफारी, वो 3 महीने जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना बंद रहती है, अक्टूबर में वापस खुलती है। अच्छा। 3 महीने के लिए गाड़ियाँ जिप्सियाँ बंद रहेगी, पैदल। अच्छा। ट्रैकिंग कभी भी कर सकते हो आप। यहाँ पे बीच बीच में है पगमार्क, ये लेबर पार्क, यहाँ पे चीता का भी है, ये काफी अच्छे से दिख रहा है, ताजा ही है, ताजा है ये पगमार्क, ये फ्रेश है, हट के इसी साइड जाने का है इसको। पगमार्क से इस साइड में गया हुआ है, हिरन है, लेपर्ड भी है। लेपर्ड बालों दिन को ज़्यादातर रेस्ट करते हैं। हाँ, तो शिव जी बता रहे कि लेपर्ड दिन में ज़्यादातर रेस्ट करते हैं, सुबह और शाम को निकलते हैं खाना वाना खाके, अभी रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करने चले जाते हैं। तो हम उनके खाना बनेंगे उसकी चांस बहुत कम है। नहीं, वो बड़े सुंदर और सुशील थे। सुंदर तो ज़रूर है, सुशील का पता नहीं। सुशील, ये पीछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक डैम है जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, और धीरे धीरे यहाँ पे देखिए पानी छोड़ा गया है, तो जो वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे आके, झरना तो है नहीं ये, लेकिन ये पूल है जहाँ पे आके ये शाम को पानी वगैरह पीते हैं, वो नीचे दिख रहा होगा। शिव जी, हाँ, यहाँ पे पानी पी लेते हैं। अच्छा, व्यू पॉइंट है, ठीक है, व्यू पॉइंट पे जाके हम लोग थोड़ा पानी वानी पी लेंगे। ये सुंदर व्यू पॉइंट है, चारों तरफ आपको जिले, हाँ, नीचे आपको दिखाई दे रहा हो दूर पहाड़ों के, दो पहाड़ के बीच में से वो रनकपुर का झील है, और ये व्यू पॉइंट है। हम लोग करीब 3 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं, 3 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, दूर हमें अभी रनकपुर दिखाई दे रहा है। इट्स कम्प्लीटली गोइंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट,
can see around us the kind of greenery. We'll say that we are in Rajasthan. Our guide, Mr. Shivji, is heading us, and we are moving through the track of wild vegetations, as you can see. ऊपर आपके ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है. We have come so far. We have must have covered about 4 kilometers, and we haven't come across any human being. कोई भी नहीं है, पूरा खाली है. सिर्फ पंछियों के बोलने का आवाज. यहाँ पे एक माइलस्टोन है, वहाँ पे लिख there is a milestone there, and it's written that Ranakpur is 12 kilometers. So I guess that's the center of Ranakpur. So we need to cover another 8 kilometer. Kitna kilometer aur hai abhi? 9 kilometer baki hai. So about 9 kilometers we have to cover more. We are again entering dense forest area. Full of shrubs, and these shrubs have spikes, so I'm not sure after the end of the day whether my jacket will sustain. We'll find out how good H&M is in making all weather jackets. You can see completely dense forest behind me. And while going inside the forest, you can also see find peacocks. My hand was stuck in a shrub with a lot of spikes and thorns. So a lot of thorny shrubs are there. So if you visit Kumbalgarh Wildlife Sanctuary and want to take this trek, you have to brave thorny shrubs. So it's advisable if you are anyways traveling during winter, you might have some full sleeves, but otherwise it's advisable that you wear full sleeves, because otherwise you get a lot of cuts. Might not be a great end to this trip. It's a clearer land, and then we are going to trek upwards. No, thank God, we are taking a flatter trail. We'll ask Shivji that how far we have covered. Now it's 12, no not 12, it's 2:30 p.m. And there Nandini is. And she is waving to me and the camera, and mostly to you. So Shivji, kitna kilometer kiya humne? 5 ho gaye. Sahi. तो सवा घंटे में हमने लगभग इन एन आवर एंड 15 मिनट्स वी हैव कवर्ड 5 किलोमीटर्स ऑफ ट्रेल. एंड अनदर हाउ मेनी किलोमीटर, कितना बाकी है अभी? 7 और बाकी. हाँ 7. सो अराउंड 7 किलोमीटर्स इज लेफ्ट. आई होप इन अनदर आवर एंड हाफ वी विल बी एबल टू कवर द नेक्स्ट 7 किलोमीटर्स. So you can see all these diggings. So these are the creation of bears, which we call bhalu in Hindi. So what they do, they try to find out termites. Termites are incidentally the favorite food of wild bears, black wild bears,
brown wild bears, which are found predominantly in this part of the world. And we can see the handicrafts of these bears. So Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary has two kind of predators. One is leopard, the other is bears. Though bear attack is not frequent in this part, but we have to be a little safe about bears. So you can see the beautiful Aravalli range, and there Nandini is clicking photographs, and we have to cover another 6.5 kilometers. And there is a sharp trail down. Yeah, the trail. And here is now trailing downwards. You can see a steep fall. I'll take you to the fall, but I'm not taking the fall. But here is a steep fall, and now there is a trail which is downwards and pretty steep it is. So you need to be a little careful while taking this trail down. So there is something, I guess it's porcupines. Yes, porcupines fins. Yes. So in older days people used to use it for pencil, to leave. Yes, for while writing. So I'll take it home with me as a souvenir of my trail. So you can see this porcupine's fin. It's a long fin of a porcupine. So Shivji was telling me, or rather us, that though this year because of COVID the number of tourists are less, but normally this trail is taken mostly by foreign tourists. So he was saying that only 5% Indian tourists take this trail, or rather the track, and 95% are foreigners. So I guess we Indians have to contribute more and become a little bit more adventurous, not only for us, but to save the livelihood of likes of Shivji, whose earnings are at stake, because the flights from foreign countries are now stopped because of COVID. And we Indians are coming to this part of the country. Like when we were coming down from Kumbhalgarh, the whole road from the foothills to the hilltop was filled with vehicles. So it was chock-a-block. But here we have covered now around 6 kilometers, but we have not seen a single soul on this pathway. So not many people are venturing out. So I know that a lot of Indians are fond of taking treks, and they go to the mountains of Uttarakhand and Himachal Pradesh. I'm not asking them not to go there, but if you are in Rajasthan and this part of Rajasthan, Udaipur, Chittorgarh, Kumbhalgarh belt, so please take these trails. One from Kumbhalgarh to Ranakpur, and the other trail is from Kumbhalgarh to Muchala Mahadev Temple. So Shivji was saying that that other trail is even more beautiful, but since we had to go to Ranakpur, so we took this trail. Because I have my cousin with me, and she could not take this trail, and she also wanted to see the temples of Ranakpur, which we also would love to see. I'm not sure by the time when we reach
whether the temples would be still open because they closes by 5 p.m. and it's now 2:40. So if we could cover the rest of the distance in say another an hour and a half, we might get the last glimpse of the temple in Ranakpur, the giant temples, the famous giant temples in Ranakpur. So otherwise we might have to miss this, but I guess I'm not complaining. I think Nandini is also not complaining that we are taking this trail and maybe missing out on some popular destination. And you can see the road here is pretty sticky. Hardly there is a road, and we are back into those thorny shrubs. So I have to be a little bit more careful now. Right now we are on a downward trail, and when you are taking a downward trail, you have to be extra careful because one slip and you go rolling down, while trekking upwards it's not that risky. It's more strenuous nonetheless, but less risky. So you can see now we have to go underneath this. रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, हम कब निकल आएंगे नीचे से? मैं तो आ जाऊंगी। और एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, करता हूं मैं। क्या जरूरत है? बुरी तरह से हाँ, इतना इतना करके रख लीजिए, हम लोग निकल जाएंगे। थैंक यू। हाँ ये देखो। So, you can see how tricky the trail becomes. Just one thing, that last couple of months we hadn't been walking a lot. Because of COVID, we haven't ventured out. Yes. So, our body is a little less flexible, but I guess we'll be able to manage. So, we are not regular trekkers. We haven't done any high profile trekking. We have done something like in Nainital, Naina Devi and all those. And in McLeodganj, what was the trek which we took? Trion trek we have done. Chinketere trek we have done. It was a long trek. It was also around 10-12 kilometers. Yeah, the track in MLF was also similar distance, but the road was much clearer. Was much clearer in MLF. Yeah, this is a wild track. The Naina Peak track was also around 13-14 kilometers. But and we, this is the first time we are taking a track inside a reserve forest, wildlife sanctuary, and with a guide. Prior to this, all our treks were sold, like all by two of us. But as I was saying, that we are not trekkers per se, not seasoned trekkers for sure. But this is leopard feces. So, leopard poop for you. I'm not sure how much you like this show, but this is leopard poop. I don't know how much a leopard will like this show. That we are showing his poop or her poop. Pooping all the way. पाली तो डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, तीन डिस्ट्रिक्ट है ना।
ये उदयपुर का हिस्सा है, अच्छा, और राजमन का है। अच्छा अच्छा इट्स प्रीटी रॉकी क्लाइंब। ये पूरा माउंट आबू से एक ही अरावली माउंट है। हाँ, अरावली रेंज। We'll stop once after climbing the top. This is definitely one of our trickiest trek, at least this last kilometer. ये भी tricky पगडंडिया है जिसके थ्रू हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं। इट्स वेरी ट्रिकी। अगर हमारे साथ गाइड साहब नहीं होते तो आई डोंट थिंक वी वुड हैव मैनेज दिस फार। हाँ, राइट साइड में मैं जा ही नहीं रहा हूँ। We are now into what you call the really dense woods. It is extremely beautiful here. The forest is a glowing vivid orange in the afternoon sun. But the trek has turned quite tricky here. For quite some time, we have been passing over a rocky terrain with steep drops. The rocks are loose, so one has to be very careful. टेंशन मत, पांव रखो आप, टेंशन मत, मैं गिरने दूंगा, मैं गिरने दूंगा मैडम। नहीं मैं गिरूंगी। नहीं नहीं उठाना नहीं है। हाँ वही उसका ही है। थोड़ा शांति वाला जगह जाएंगे उसके बाद लेंगे फोन। शिट, रुक करो फ्रेंड्स महाराज। At this point, we decided to switch off the camera, but guys, I seriously wish we didn't have to do so. We trekked for another hour, but unfortunately, we have no footage to share with you from that stretch. So we are now on the last stretch of this trek. This is a 13-kilometer trek, and we should have covered about 12 kilometer by now. And the last stretch is not very difficult; it's easy. Beach mein, in the middle, there was a stretch जहाँ पे आप मुश्किल से दो पैर किसी तरह से रख सकते हो, और एक हाथ में आपका गहरा खाई है. So that stretch, you have to be very careful. And I took the help of our guide, an experienced trekker, Shivji,
जिन्होंने मेरी मदद की, हाथ पकड़ के मुझे वो स्ट्रेच क्रॉस करने में उन्होंने मेरी मदद की। एंड देयर वाज अनदर स्ट्रेच इसके बाद, मतलब वो छोटा सा स्ट्रेच, नैरो सा स्ट्रेच क्रॉस करने के बाद देयर वाज अनदर स्ट्रेच जो हमें उतरना पड़ा। एंड देयर वाज प्रैक्टिकली नो ट्रेल, हमें बस पत्थरों के ऊपर से किसी तरह से स्क्रैम्बल करके उतरना पड़ा। सो दैट वॉज अबाउट आई बिलीव 1.5 to 2 kilometers where there was practically no trail at all. There were big rocks and you had to scramble over the rocks to get down. So there also there used to be a gorge on one side, so you have to be very very careful. And Shiv ji ne hame bataya ki aap kisi taraf dekhna nahi, bas aap chalte jana. Agar aapko बातें करना हो या फिर कुछ देखना हो तो आप खड़े होकर देख लेना, चलते चलते आप किसी तरफ मत देखना। और उन्होंने हमारी बड़ी मदद की, मेरी तो उन्होंने हाथ पकड़ के वो स्ट्रेच आने में बहुत मदद की। बट वी आर ग्लैड नाउ वी आर ऑन प्लेन लैंड और बस हम कुछ ही देर में 10-15 minutes में हम रनकपुर टेम्पल तक पहुँचेंगे। So we are glad that we did this trail. लेकिन अगर आप ये ट्रेल करना चाहते हो तो प्लीज़ गाइड के साथ ही आना। और relatively physically fit. हाँ, और एक चीज़ का ध्यान रखना, you have to be relatively physically fit. 13 किलोमीटर का ट्रैक है तो बीच में 5 or 6 kilometers आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। So that 5 or 6 kilometers was quite challenging, something that we really had not prepared for, but guide sahab Shiv ji ke madad se we managed to do that. Aur ek jagah par rasta band bhi tha, a tree has fallen aur rasta puri tarah se block ho gaya tha, so hame ghoom kar aana pada. To wahan pe koi bhi trail nahi hai, hame patthoron ke upar chadh ke फिर वी हैड टू फाइंड आवर ओन वे, मेक आवर ओन वे एंड कम डाउन। सो बी केयरफुल अबाउट दैट एंड प्लीज नॉट या सो दिस वॉज मच डिफिकल्ट देन द अदर ट्रैक्स दैट वी हैव डन, नैनीताल एंड अदर्स। तो अगर आपको करना है ये ट्रैक तो सुबह आइए, जल्दी आइए बिफोर इट गेट्स डार्क, और किसी एक्सपीरियंस्ड गाइड के साथ ही आइए। शिव जी का नंबर दिया हुआ है, जैसे हमने पहले बताया, शिव जी का नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आ सकते हो। और मज़े की बात यह है, ये हर ट्रेल में लगभग होता है कि अब जब नीचे आते हो तब एक मंदिर दिख जाता है आपको, जो ये शिव जी का मंदिर था। और वो मंदिर आप जब देखते हो, इट इज़ सच अ फीलिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू गाइस, इट्स जस्ट एन अमेजिंग फीलिंग। एंड वी हैड जस्ट दैट फीलिंग एंड नाउ वी आर कैरिंग ऑन द लास्ट स्ट्रेच एंड वी शुड बी रीचिंग द रनकपुर temple another 10 minutes or so. So I'm logging off now. Thank you so much.